साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुदेश पूनिया। और हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायती जो चुनाव है उसकी सरगर्मी काफ़ी तेज है और जो जितने भी प्रत्याशी है वो मैदान में है और डोर टू डोर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। मैं जोन नंबर 14 के जिला परिषद के इस समय गांव दड़बा कला में पहुंचा हूं और दड़बा कला के अंदर संदीप शिवर शेरपुरा की डोर टू डोर कंपनी के युवाओं की एक अच्छी खासी टीम के साथ, जिनमें उनके भाई संजीव शिवर भी साथ में है, काफ़ी सारे युवा साथियों के साथ दड़बा गाँव की अभी डोर टू डोर चल रही है। तो सबसे पहले इनके भाई से भी बातचीत करते हैं। संजीव हमारे साथ जुड़ेंगे मेलबोर्न से लेकर के हरियाणा का जिला परिषद के जोन नंबर 14 तक पहुंचने का इनका आखिर मकसद क्या है, क्यों इतनी दूर इनको आना पड़ा? पर्सन आप मेरा समझ गए होंगे, ऑस्ट्रेलिया से लेकर वापस हरियाणा की धरती पर चुनाव के लिए आना, क्या कुछ कहेंगे? पहली बात तो भाई साहब राम राम सारा ने जो धरातल न्यूज़ ने देखा है जी, सारा राम राम। और जो जोन नंबर 14 में और सारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में और सारा जो भाई देखा है सारा राम राम मेरी भाई। और मेरा पहुंचने को सारों बड़ो है कि मतलब वो कि आज के टाइम आप सोचा युवा ने आगे बढ़ाना है और मेरा भाई आज उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ है। तो मेरा एक ही मुद्दा कि मैं मेरा भाई करके वोट कौन मांगू, मैं वोट मांगू एक युवा करके कि अपन युवा ले आवांगा तो बदलाव आवेगा। अपन बदलाव चाहिए बट अपन बदलन कौन लाग रहा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी अपन, बस वही सारो मेन मोटिव। तो लोगों मिलन लाग रहा हो के कुछ रुझान लग गया, लोग के कहने लग गए? देखो जी मैं बताऊं, मैं यहां तो मैं जे सीधा इकट्ठा मेरा पर्सनल इकट्ठा कर गया हूं यार, तो बात अलग है। ए छोरा है सारा गांव का ही है, ए युवा छोरा है, अन भी मेरो ही मैसेज है जे युवा पा आगे कदम रखांगा तो ये अपना माए तक आगे चल लेगा, क्योंकि माए तन बताना पड़ो भी आप वो करने लाग रहे ई कर गए छोरा आगे ले आवा। बस वही देखो सारा दड़बे गांव का छोरा है, कोई मेरा पर्सनल बंदा को नहीं, हठे मिले से भाई हाँ भाई आप साथ देंगे तेरे। जितना जोन नंबर 14 का काफी गांव आवे, लगभग 15 गांव बताया बंग में, अच्छा खासा थारा मतलब का भी लिंक है संजीव का भी, लोग थाने देखता भी रहवा। तो कितने के सपोर्ट है फोन पर मिलन लग रही है या जो साथी बारे है जो नहीं मिलन लग रहा थारो भी या वोटर दिन आ जाके कुछ को? देखो जी लिंक वाली बात तो ये है, लिंक बने बस राम रूम में शुरू की कोई खेल में कोई और आगे पीछे, यदि भाई साहब किसान आंदोलन में आगे जुड़ेड़ा छोरा है वे मैसेज कर ले या मैं बाहर रहूं तो भाई इनकी नहीं पूछना भाई मैं बाहर आना चाहूं और है कई मेरी वीडियो देख के भी कि भाई यार तू आठों उठ गए बाहर रहे फिर तू बागड़ी बोल रहा है तू राम रूमी करावे, तो ऐसी चीजों एक अटैचमेंट आठे मेरी यही करके ही हम भाइयों को इतना मतलब रुझान है कि भाई मैंने खुद मैसेज करके कहा भी आप बस तेरी सपोर्ट करांगा। और मेरा सारों बड़ो रीजन हो अभी हमने एकदम वो कर दियो कि मेरे भाइयों पहले हम मजबूर कर दियो भी तू पहुंच आठे। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई थारो काफी दिन लाग रहे यार अब थे आया हो, कितने मतलब भाई ने कंधों कंधे मजबूती थे मान के चलन लाग रहे हो? देखो जी पहली तो मेरे भाई मन के अभी नहीं यार कोई बात नहीं तू तेरे संभाल है मैं कर लियांगा, पर फिर भाई बात है जब भाई का सागे भाई ना खड़े हो दूसरों क्या खड़े हो पहले तो हौसलो तो मिले ही मिले। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। मैं तो आई कहूँ अभी भी मेरे भाई करके मैं वोट कौन मांगू, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई को एफर्ट है पीछे की मेहनत है। देखो कई आपने क्यों है जी हमारे तो फेसबुक या इंस्टाग्राम चलावे को नहीं यार जगह लगभग अपडेट हुआ सारी बापा भी परि करा भी आज हड़े आंदोलन में यहाँ चीज करी है मीटिंग हुई है तो युवा छोरा बेरो है ये करके ही युवा ज्यादा जोश दिखाने लग रहे हैं भी हाँ यार भी आप सपोर्ट करांगे आप मदद करांगे चीज में। और दूसरी बात है जे आज एक संदीप जीतक होनी तो कल ने चार संदीप खड़ा होगा बोले आप आजाद उम्मीदवार जीत सका। बिल्कुल बिल्कुल। जे आज एक संदीप आ रहा होनी तो कल ने सोचा बोले यार वोट तो पार्टी बाजी में जाना है अपनी एक हिम्मत है नहीं बस दब जे। तो मेरा तो मानना मेरा कहना है सारे युवाओं का रिक्वेस्ट है कि भाई एक युवा ने आगे ले गया हो अब मैं तो सरपंच भी आ कहूँ कि अगर जीतता है तो युवा एक नई सोचना आगे ले वो कि नई चीज आपसे एक ये सवाल है मुद्दों पर तो सारे लड़ते हैं मैं शिक्षा के मुद्दे हो जाए स्वास्थ्य हो नशा सारे कॉमन मुद्दे चल रहे लोग आपको वोट क्यों दें? सबसे पहले तो धरातल न्यूज के सभी दर्शकों को राम राम, राम राम और आपका भी यहाँ आने पे स्वागत है आपका धन्यवाद जी। तो वोट क्यों दो आपने जो सवाल किया ना क्यों दें, एक तो ये सवाल पत्रकार का जो सवाल है वो पब्लिक का होना ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये इलेक्शन है आज मैं आपके सामने ये चैलेंज करता हूँ यहाँ जितने भी खड़े हैं इनसे ये पूछ लो जिस बंदे को पहले जिता के भेजा है उसने ये भी बोला है कि धन्यवाद तुमने मेरे को वोट दिया। बिल्कुल बिल्कुल। काम तो बहुत दूर की बात है लेकिन ये चीज यहाँ तक शुरू में जो स्टार्टिंग थी जिसने वोट दिया दिल से दिया था भी मैं काम कराऊंगा या काम होगा गाँव का सार्वजनिक जो भी काम है उन लोगों ने ये तक नहीं कहा भी धन्यवाद आपने हमें वोट दिया। और रही बात अब जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनसे भी आपने ये
सवाल किया ना अभी वोट क्यों दें, क्यों दें? ये पब्लिक सवाल करे गांव के अंदर, जब वो वोट मांगने आए तो पार्टी ना देखे भाई ये मेरी पार्टी का, ये मेरा कैंडिडेट है, ये मेरी पार्टी की बेइज्जती हो जाएगी, ये नहीं जीतता तो ये हार गया तो बेइज्जती हो जाएगी, अब तक ये चलता रहे। लेकिन आप वोट अपनी मर्जी से देते हो, आपको अधिकार है वोट का, किसी को भी दे सकते हो, लेकिन आप ये सवाल जरूर करें। आप वाला जो सवाल है मेरे को सबसे बढ़िया लगा, अभी वोट क्यों दें, क्यों दें? संदीप को वोट इसलिए दे क्योंकि आप 15 साल का पहले मेरा रिकॉर्ड चक के उठा के देखें, बैकग्राउंड को अगर आपको 1% ये लगे, एक उंगली रखने की जगह ये लगे भी ये संदीप सिंह और में यहाँ फॉल्ट है तो मेरे को वोट आप ना दें और आपको जो बढ़िया लगे उसको वोट दें। अगर बात की जाए दड़बा गांव एक राजनीतिक गांव माना जाता है, यहाँ पर आपकी डोर टू डोर चल रही है, यहाँ के लोगों का क्या रुझान रहेगा फिर? यहाँ का लोगों का जहाँ तक है तो बुजुर्गों का आशीर्वाद है और युवाओं का पूरा सहयोग है, और युवाओं का सहयोग नहीं ये समझ भी रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, जो युवा जो आज जैसे आज की एक्टिविटी है तो युवा शाम तक उनके पास रिपोर्ट पहुंच जाती है, और बुजुर्ग थोड़े से उस चीज में फोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, उसमें कम थोड़ा सा वो यूज कम करते हैं इसके। तो चलिए खैर लगभग लोगों से मिलना है, कहाँ तक मानते हैं फिर चुनाव में अब तक आपने पकड़ बनाई है? चुनाव की जहाँ तक पकड़ है तो मेरा कंपेनिंग आज से नहीं 15 साल से मेरा कंपेनिंग, अगर जो वोट देने से पहले ये देखता है किसको वोट दें तो उसके लिए मेरा कंपेनिंग 15 साल से चल रहा है, 2007 से लेके 2022 तक, वो मेरा बैकग्राउंड उठा के देखे कौन से मुद्दे पे मैंने क्या किया है। जो बार प्रोटेस्ट किए थे भाई ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 3 प्रोटेस्ट किए थे इसने, और वहाँ से एक नारा दिया था आवर कल्चर इज एग्रीकल्चर, तो उस चीज को अगर थोड़ा सा अगर ये चीज क्यों बोली गई है, क्योंकि हमारा धर्म खेती बाड़ी है। बिल्कुल, आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी कोई अलग अलग जैसे कास्ट है, किसी की कोई कास्ट है, कोई कुछ है, हमने ये चीज इसलिए बोली है कि हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और खेती बाड़ी हमारा धर्म है, और हमें जो डिवाइड किया जाता है ना तो वो अलग अलग समीकरण बनाए जाते हैं, और आज का जो समीकरण बना रहे हैं वो पार्टी का एक दिखा रहे हैं भी, हमारी पार्टी कमजोर हो जाएगी, अपने को जीतना है, सिर्फ इसी चीज पे जोर दे रखा है जी। तो सभी से अपील है कि एक बार जो भी मेरे से आपको उम्मीदवार अच्छा लगे आप उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कीजिए, नहीं तो मैं सारों के सारे जितने भी है आप कहोगे भी वो मेरे को ठीक लग रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी मैं बताऊंगा टाइम आने पे जी। तो शुक्रिया, ये हमारे साथ संदीप सिंह थे, इन्होंने खुला चैलेंज दिया कि अगर 1% भी अगर मेरे करेक्टर को लेकर के या मेरे को लेकर के कोई फॉल्ट है तो आप जिसे मर्जी चाहे कैंडिडेट को वोट दे दीजिएगा। ऐसे ही प्यार प्रेम बनाए रखिएगा। कैमरा से योगिंद्रेंद्र कुमार के साथ सुदेश पूनिया।